फिल्मी स्टाइल में, पहले फिल्मों में देखते थे कि समुद्री जहाज़ों पे स्मगलिंग होती थी, समुद्री जहाज़ों से जो गुंडे थे तस्करी करते थे, शराब पीते थे, नाच गाना करते थे, ड्रग्स की पार्टी करते थे। अब हकीकत में आज बम्बई से जा रही गोवा इकोनिया क्रू, जिसको समुद्री जहाज़ यातायात के लिए, पैसेंजर के लिए बनाया गया था, उसकी लॉन्चिंग थी, उसमें हजारों लोग की भीड़ थी और हजारों लोग जाने वाले थे। कुछ लोग को रोक दिया गया और इसकी सूचना मिली एनसीबी को, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये इसलिए हम वीडियो हट के बना रहे हैं कि देखिए, हमारे राष्ट्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार कहाँ कहाँ देखेगी, क्या क्या करेगी, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि आसपास अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं आपको लगता है कि होने वाला है, या ये आदमी कर सकता है या हो रहा है, तो उसको बिना बताए उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, जैसे कि ड्रग्स की पार्टी हो रही थी, वो भी ड्रग्स हीरोइन, एमडी, चरस, हशीश, गांजा, ये सारी की पार्टियाँ होती थी पहले मुंबई के बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रईसों और सबसे ज़्यादा फिल्मी दुनिया के लोग जुड़े हैं, और उनको जुड़े नहीं है, उनको जोड़ने का काम किया गया है। ये बहुत बड़ा धंधा चलता है, और ये आज जब इसके एक साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े हीरो हीरोइन सब पकड़े गए थे और एक एक का तलाशी, और एक एक रोज़ एनसीबी ऑफिस जाते थे और आते थे, और कुछ लोगों ने तो जेल भी झेला, अभी भी झेल रहे हैं, केस दुनिया भर का है। तो इस बम्बई में लोगों ने प्लानिंग किया, या जो सप्लाई करने वाले, जो धंधा करने वाले, जो बिजनेस करने वाले हैं, और बिजनेस करने वाले की कौन है ये भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि सब राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, और ये अपना ड्रग्स और चरस, हीरोइन, गांजा, अफीम बेचकर बम्बई के लोगों को खराब कर रहे हैं, और ये खराब करने का जिम्मेदारी, ये सारा जिम्मेदारी पाकिस्तान के द्वारा ये बैठा दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क अभी भी बम्बे में है, और ये तो धीरे धीरे पता चली जाएगा, और इन लोगों का तो पर्दाफाश हो ही रहा है, और ये अब बचने वाले नहीं हैं। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि अभी अभी पता चल रहा है, सारी बहुत सारी बड़ी बड़ी विश्वासी, जो राष्ट्र के हित में जो मीडिया हैं, जो चैनल हैं, उन पे तो हमने सोचा कि हम क्यों पीछे रहेंगे। लोगों आपको भी बताएं कि ये पार्टी पहले बड़े बड़े होटलों में चलती थी मुंबई के, और देश के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे होती हैं, लेकिन जब बम्बई में नज़र रखने लगी एनसीबी, एनसीबी हम बता दें क्या है, ये सेंट्रल की, भारत सरकार की एक अलग नारकोटिक डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल स्तर पे काम करती है, और इसकी बहुत बड़ा नेटवर्क है, कभी कोई बच के नहीं जा सकता है अगर चाह जाए तो, और इसमें बहुत बड़ा राष्ट्रहित में और
असली कहा जाए तो राष्ट्र के जो सिपाही हैं समीर वानखेड़े जी, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे गिरोह को पकड़े और उनको जेल के पीछे किए। तो जब होटलों में छापा मारी, छापा पे छापा मारा मारने लगा सब एनसीबी, तो अब इन लोगों की हालत ख़राब हो गई। जो बिक्री करने वाले थे, जो बेचने वाले थे, जो लोगों को फंसाते थे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे वाले हैं, जो लोग आते हैं और उनको नशा का लालच दिखा के, इसीलिए ये नंगी पुंगी तस्वीरें और नंगी पुंगी फिल्में और ऐसे ऐसे सीन नशे लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे फिल्मों में काम करने वाले लोग बहुत हैं और इसमें एक बहुत बड़े हीरो के लड़का बेटा भी पकड़ा गया है, उसका नाम अभी नहीं उजागर हुआ है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो ये जब होटलों में छापामारी होने लगा एक साल पहले, तो इन्होंने प्लानिंग किया होगा कि अब क्या किया जाए। तो इस बहाने कि हम लोग एक पार्टी करें, और विदेशों से आए हैं, डीजे आया है उस क्रू में, उस समुद्री जहाज में जो बम्बई से गोवा जा रही थी, वहाँ पे डीजे, एक से डीजे बिसेली अमेरिका से, और कहाँ कहाँ से सब विदेशी लोग भी आए थे इंजॉय करने। लेकिन उसी में एक बहुत बड़ा होटल की तरह वो क्रू होता है, लगभग 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर, उसमें एक एक रूम का किराया कम से कम 50,000 रुपया है और 2-2.5 लाख रुपये एक एक रूम का उसमें किराया है। एक किराया देकर ऑनलाइन पेमेंट करके सब बुकिंग किए थे। बहुत लोग जो जाने वाले थे लोगों को रोक दिया गया, उसमें से 10 लोग को पकड़ा है और इनसे भी अपने ऑफिस में ले गया है, जो CST फोर्ट एरिया में मुंबई का मेन जो है ऑफिस, वहाँ पे लाया गया है। अभी पूछताछ के बाद सुबह पता चलेगा कि कितना हीरोइन पकड़ा गया, कितने ड्रग्स पकड़े गए और कौन कौन थे उसमें, और इसके प्लानिंग, इसकी योजना और इसका जो प्रोजेक्टर है, जो इसको मैनेजमेंट कर रहा है, वो कौन है, पता चल जाएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप अपने आसपास राष्ट्र के गद्दारों को और राष्ट्र के विरोधियों को, जो राष्ट्र के हित में नहीं, राष्ट्र के विरोध में काम करते हैं, राष्ट्र को गिराने का, राष्ट्र को बदनाम करने का कोशिश करते हैं, उनको डरिए नहीं। एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले ऐसा कुछ ज़रूर करना है कि हम जुगो जुगो तक याद किए जाएं, क्योंकि हमारा राष्ट्र है तो हम हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। तो उस पीढ़ियों को बचाने के लिए हम सब मिलकर इस राष्ट्र के विकास में सहायक हो, न कि बाधक हो। अब बाधक बनने वालों को हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, ये प्रण लीजिए। सभी से हमारा निवेदन है, विनती है, जो सोच भी नहीं सकता कोई, लेकिन ये करने वाले, जो नशा करने वाले जो लोग हैं, ये तो अपने बाज नहीं आएंगे। इनको एक ऐसा मस्तिष्क में वो बिना लिए नहीं रह सकते। तो NCB ने, डिपार्टमेंट भी पता किया होगा क्या बात है, आजकल होटलों में नहीं, छापा मारने के बाद भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा, तो अपना, इसलिए कि उनकी वही जिस जो काम में रहता है वो माहिर रहता है। तो ये आज पकड़े गए हैं और पकड़ के कल कोर्ट में भी, संडे है, लेकिन संडे को भी ऐसे राष्ट्र के जो देश के हित में जो नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी एक बात है, उस संडे को भी कोर्ट खुलता है। कितना भी इमरजेंसी में अगर बंद है तो भी कोर्ट खुलता है, उस समय जब ऐसी घटनाएं होती है
जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उस समय भी जज बैठेंगे। और ये हर बार होता है, बहुत बार होता है, और ये हमारा लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र में न्यायपालिका से बढ़ के दुनिया में नहीं, भारत में कोई भी नहीं है। तो न्यायपालिका को बताया जाएगा कि ऐसा है, ये है, और पूरा वहाँ जीरा होगी। उसके बाद क्या होता है, कल तो ये पूरा देश में हर मीडिया चैनलों पे, बहुत ही किसी भी जगह में एक दो चैनल है जिसमें चल रहे हैं, बाकी को अभी कल सुबह से चलाना शुरू करेंगे, इसलिए कि मीडिया वाले वहाँ पहुँच भी नहीं पाए होंगे। इस रात को 12:30 बज रहा है, और ये 12:30 बजे रात को भी जिस मीडिया ने पहुंचा, उनको भी हम कोटि कोटि आभार और धन्यवाद करते हैं कि ऐसे देश के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से एक मीडिया का भी आता है, उनको भी एक अधिकार है, उनका भी एक कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के हित में बात करें। और वो बात करते हैं और बताते हैं पूरी जनता को, दुनिया में जो घरों में सो रहे हैं, और फिर जो टीवी खोलते हैं तो सच्चाई का पता चलता है। ऐसे हम मीडिया कर्मियों को जो राष्ट्र के हित में निष्पक्ष बात करते हैं, उनको मैं फिर एक बार पुनः सैल्यूट करता हूँ। चलिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजड़ा घर परिवार, तो नशा से दूर रहिए, और नशा करेंगे तो आपका ही नहीं, आपका परिवार का और हमारे देश का भी विकास नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखिए। और ऐसे कुछ भी नहीं है कि नशा के बिना कोई मर जाएगा, क्यों कि ये नशा कोई नहीं करता है, इसके पीछे जो धंधा करते हैं, जो इसका व्यापार करते हैं, वो लगे रहते हैं कि एक दूसरे कैसे पकड़ाया जाए, और इसको धीरे 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 ये पूरा ये दिमक की तरह है। ऊपर से देखेंगे कि लकड़ी ठीक है, लेकिन दिमक अंदर से वो खोखला बना देता है। ये है ड्रग्स, और ड्रग्स की पार्टी आज समुद्र में, जो बम्बई से गोवा जा रही थी, एक समुद्री जहाज जो क्रू उसको बोलते हैं, ये डिकोर्निया क्रू, उसका लॉन्च था नया, उसी में आज पार्टी थी, और उस पार्टी में एक नशे की भी पार्टी हो रही थी। उसी में सूचना मिली, और एनसीबी के डायरेक्टर समीर पानखेड़े को मैं पुनः सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने देश के असली लाल हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इंटरनेट टेक मुंबई पे आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा चैनल शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हम वीडियो स्पेशल आप सभी के लिए, देश में अगर एक आदमी भी देख लिया तो हम समझेंगे कि वो ज़रूर 100 आदमी तक पहुंचा देगा इस वीडियो को, कि ये कितना ज़रूरी हमारे राष्ट्र के लिए है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।